नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ऑर्डर जो राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की विभिन्न जो विश्वविद्यालय हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट से लेकर के, वैसे तो इससे संदर्भ में इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो जानकारी प्रथम दृष्टया प्राप्त हुई थी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों ने भी उसको पढ़ा हुआ होगा। लेकिन वास्तविक सिनेरियो क्या है इसको लिए, इसको समझने के लिए हमें इस ऑर्डर की कॉपी को ही पढ़ना होगा। तो बहुत ध्यान से आप पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब इस पीडीएफ के माध्यम से हमें मिलने वाले हैं। ऑन द इस पीडीएफ के माध्यम से भी एक या दो प्रश्न ऐसे हैं जिनके जवाब अभी भी मिल पाना संभव नहीं होगा, तो उससे संबंधित जब भी मेरे पास जानकारी होगी, ऑथेंटिक जानकारी होगी, उसको मैं वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो देख लेते हैं, ये 18 मई 2021 विश्वविद्यालयों के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हुए साक्षात्कार में पारदर्शिता के संदर्भ में दिनांक 5 अक्टूबर 2020 को कुलाधिपति की अध्यक्षता में कतिपय विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण के साथ चर्चा हुई थी। यानी साक्षात्कार में पारदर्शिता लाने के लिए मीटिंग हुई थी। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर किसी ने इसको लेकर के शिकायत की होगी या कहीं से पता चला हो कि पारदर्शिता साक्षात्कार में और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है, खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति होती है विश्वविद्यालय में, तो उसी को लेकर के 5 अक्टूबर 2020 को मीटिंग बुलाई गई थी। उस चर्चा के क्रम में सभी विश्वविद्यालयों में एक समान चयन प्रक्रिया लागू करने के लिए बैठक में प्रकाश में आए सभी बिंदुओं पर विचार करके कुलपतिगण की एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में सामान्य विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, प्रावधिक विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय के 5 कुलपतिगण सम्मिलित किए गए थे। इस समिति की बैठक दिनांक 9 फरवरी 2021 को आहूत की गई थी। बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में एक समान चयन प्रक्रिया को लागू करने के लिए सहमति व्यक्त की गई। उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से निम्न प्रक्रिया अपनाने हेतु निर्देशित किया जाता है। तो ये पूरा ऑर्डर दिया गया है चर्चा के बाद में जो निकल के है। तो देखिए अब क्या बदलाव होने जा रहा है इसमें। तो वैसे इसमें पूरी पीडीएफ में हम केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन की बात करेंगे। तो सहायक आचार्य पद हेतु संपूर्ण चयन प्रक्रिया निम्न प्रकार के गुणानुक्रम में निश्चित होगा। तो सबसे पहला स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल तथा समतुल डिग्री के आधार पर बेसिक अकादमिक स्कोर, यानी बेसिक अकादमिक स्कोर जो है वो 20 मार्क्स का होगा। किस आधार पर होगा इसकी एक टेबल दी गई है, वो भी मैं अभी बात आपसे बात कर लूँगा कि किस प्रकार से आपको अंक मिलने वाले हैं। और ये जो आपका BAS है यानी बेसिक अकेडमिक स्कोर है, इसमें आपके द्वारा आवेदन करते समय कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये आप जो मार्क्स है ऑलरेडी स्कोर कर चुके होते हैं और मार्कशीट में बदलाव आपके द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ये मार्क्स आपके तो पहले ही बिल्कुल फिक्स होंगे और इसको आप अभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुक्रम यानी API स्कोर, जिसमें चिकित्सा, कृषि विद्यालय, प्राविधिक शिक्षा आदि विश्वविद्यालयों के संदर्भ में संबंधित विश्वविद्यालयों के नियामक संस्था द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार API स्कोर की गणना की जाएगी। यदि नियामक संस्था द्वारा कोई निर्देश नहीं है तो उस दशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था मान्य होगी। तो API जो भी आपका विश्वविद्यालय होगा वहाँ का जो भी उन लोगों का रूल एंड रेगुलेशन उन लोगों ने बना रखा होगा, निश्चित कर रखा होगा, उसके आधार पर API कैलकुलेट होगा। और जहाँ पर अपना कोई नियम नहीं है तो उस स्थिति में जो UGC का रूल एंड रेगुलेशन होगा उसको फॉलोअप किया जाएगा और ये मैक्सिमम 30 अंकों का होगा। इसमें जैसा आप जानते हैं कि जो भी रिसर्च पेपर वगैरह हैं, पेपर प्रेजेंटेशन है, इन सबको स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसको समय के साथ आप जो है बढ़ा भी सकते हैं, ये आपके हाथ में होता है। विषय की जानकारी के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी 20 अंक की, और शिक्षण कौशल की जानकारी, ऑनलाइन कक्षाओं आदि के कंप्यूटर पर कार्य करने की जानकारी तथा कक्षा के समक्ष प्रस्तुतिकरण, ये टोटल आपका 20 अंक का होगा। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट का है वो एग्जाम होगा 20 अंकों का होगा, और उसके बाद जो है आपको मॉक क्लास लेनी होगी, और ये मॉक क्लास किसके माध्यम से होगी, प्रेजेंटेशन के माध्यम से होगी, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। देखिए पूरा डिटेल यहाँ पर नीचे नियमों में दिया हुआ है, तो हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं क्या होगा। सबसे पहले आवेदन जारी किए जाएंगे, मतलब विज्ञापन निकाला जाएगा, उसमें आप लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के दौरान आपको जो आपके बेसिक एकेडमिक स्कोर है और जो API स्कोर है दोनों को भरते हुए आप आवेदन करेंगे। आवेदन स्क्रूटनी कमेटी के पास जाएगा, वहाँ से पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी, आपका जो
बेसिक एकेडमी स्कोर के मार्क्स हैं और जो एपीआई के मार्क्स हैं उनको प्रदर्शित कर दिया जाएगा और आवेदन के समय आपको एक ईमेल आईडी दे दी जाएगी। जब भी ये पूरी लिस्ट प्रकाशित होती है आपके मार्क्स अंकों के साथ में, अगर आपको कोई आपत्ति है तो वहाँ पर आपको दी गई ईमेल आईडी पर अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी। सभी आपत्तियाँ प्राप्त होने के बाद संशोधित जो लिस्ट है उसको फिर से जारी कर दिया जाएगा और इसी लिस्ट के साथ एक पद के लिए 10 लोग और अगर पदों की संख्या और अधिक है तो प्रत्येक अगले एक पद के लिए 5 लोगों को लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। कुल मिला के आप ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए 10 पद है तो 55 लोगों को बुलाया जाएगा, यानी 5 लोग एक्स्ट्रा बुलाए जाएंगे क्योंकि पहले पद के लिए एक सिंगल एक पद के लिए 10 लोगों को बुलाया जा रहा है और आगे के पदों के लिए 5-5 क्रम में। तो जितने पद होंगे उसका 5 गुना करके 5 आप जोड़ लीजिएगा तो आपको पता हो जाएगा कितने लोगों को आगे के प्रोसेस यानी रिटर्न के लिए, इंटरव्यू के लिए और क्लास प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। एग्ज़ाम हो जाएगा और एग्ज़ाम देखिए एग्ज़ाम में इस वीडियो में ये भी दिया हुआ है कि आपका रिजल्ट उसी दिन जारी किया जाएगा और उसी दिन जारी किया जाने का मतलब सीधा सीधा है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो ऑनलाइन होगा क्योंकि ऑनलाइन ही एक ऐसा मेथड है जिसमें जो है आसानी से सेम डे जो है रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन टेस्ट ठीक होगा। ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद फिर सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा मॉक क्लास के लिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ये मॉक क्लास वैसा नहीं होगा जैसे कि आपकी पीएचडी के दौरान जो है आप अपना टॉपिक तैयार कर लेते हैं फिर उसका पीपीटी तैयार कर लेते हैं और जाते हैं क्लास, आप इंटरव्यू के दौरान उसे प्रेजेंट कर देते हैं, आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक उसी समय दिया जाएगा पूरी कमेटी के सामने, क्लास क्या होगी कम से कम 20 स्टूडेंट होंगे उनके सामने आपको क्लास लेनी, आपको टॉपिक दिया जाएगा, तुरंत ही आपको अपना पीपीटी तैयार करना है, तो आप देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे ऐसे बैठते होंगे जिनके पास अपना लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या आपको लैपटॉप या कंप्यूटर वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा या आपको व्यवस्था करनी है, इस प्रश्न का जवाब भविष्य में मिल पाएगा, अभी मेरे पास भी नहीं। अगर आपके पास अपना लैपटॉप या कंप्यूटर है और पीपीटी बनाना आपको नहीं आता तो आप तैयार कर लीजिए। तो जो क्लास के लिए टॉपिक आपको दिया जाएगा, अब टॉपिक कैसे दिया जाएगा ऐसा नहीं कि आपको पहले टॉपिक बता दिया जाए आप घर से तैयार करके आइए, ये पीडीएफ ये कहती है कि पूरी कमेटी के सामने ही आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपको वहीं पर प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा और उसको पढ़ाना होगा क्लास में। तो कम से कम पीपीटी बनाना सीख लीजिए और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सब्जेक्ट के उनको भी कैसे पढ़ाया जा सकता है पीपीटी के माध्यम से, ये आपको थोड़ा सा बदलाव करना होगा अपनी रणनीति में। और उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के 10 मार्क्स हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये 20 मार्क्स तो आपके क्लियर हैं, विषय की जानकारी के लिए लिखित परीक्षा होगी ये भी आपको करना है, यहाँ से 20 मार्क्स में मैक्सिमम आपको स्कोर करना है। और शिक्षण कौशल की जानकारी यहीं पर आपको पीपीटी पढ़ाई जाना है, पीपीटी तैयार करना है, जो भी आपको टॉपिक मिलता है। देखिए टॉपिक कैसे मिलता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको नहीं याद होगा कि जब वाइवा वगैरह होता था प्रैक्टिकल वगैरह होता था साइंस स्ट्रीम में तो वहाँ पर आपको जो प्रैक्टिकल अलॉट किया जाता था वो पर्चियाँ बना के रख ली जाती थी, उनमें से आपको निकालने को कहा जाता था, आपने निकाली उसमें जो टॉपिक आया उसी पर आपको तैयार करना। तो हो सकता है कुछ इस तरीके का तरीका अपनाया जाए वहाँ पर। एक नहीं क्लियर है यहाँ पर, देखिए 30 अंकों का जो एपीआई स्कोर है इसको देखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग होगा तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बाद में इसके विषय में हम बात करेंगे जो एपीआई स्कोर है 30 अंक। और इंटरव्यू देखिए यहाँ पर कम करके 10 मार्क्स कर दिया है। यहाँ पर जो आपका ये प्रस्तुतिकरण है क्लास में पढ़ाने का प्लस जो आपका इंटरव्यू है इस पूरे की रिकॉर्डिंग होगी, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और सेम डे जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है उसी दिन मार्क्स देख के पूरा लिफाफा बंद करके सेम डे भेज दिया जाएगा माननीय कुलपति के पास संबंधित यूनिवर्सिटी के। और जो रिकॉर्डिंग भी साथ में भेजी जाएगी ये रिकॉर्डिंग जो माननीय कुलपति महोदय हैं उनको अगले 3 महीने तक कम से कम सुरक्षित रखनी है। रिजल्ट जारी होने के बाद अगर किसी को आपत्ति है तो आप क्लेम कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल होगा उसको देखा जाएगा और कोई भी संगत पाई जाती है तो उसको दूर किया जाएगा। तो ये एक पूरा तरीका है जो मेरे समझ में आया, फिर भी मैं अभी लगातार और इसकी स्टडी कर रहा हूँ, मेरे पास अगर कोई अन्य अपडेट भी आएगा तो मैं आपको निश्चित तौर पर अवगत कराऊँगा सार्थक क्लासेस के माध्यम से। और दोस्तों अगर अभी तक आपने सार्थक क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं जीके पाठ की तैयारी के लिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।